आज के हमारी इस क्लास में हम डिस्कस करने जा रहे हैं वीवीए मैक्रो प्रोग्रामिंग, और वीवीए मैक्रो प्रोग्रामिंग में हम बात करेंगे कि इफ कंडीशन को कहां पे कहां कहां पे यूटिलाइज करते हैं। तो कुछ कंडीशन हम आपको बताएंगे, कुछ कंडीशन आपको खुद से लगानी है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि नाम पूजा दिल्ली हम सेव और सेव कर देता है। एक मिनट, इसलिए मैक्रो को रन नहीं किया। Invalid use property. ये मेरा नहीं है, किसी और का बनाया हुआ है। अब यहाँ पे इन्होंने काम, यहाँ पे जो है अच्छा किसी का और का बनाया हुआ था। मैं इसी तरह का फॉर्म में, इसमें दिक्कत है, मैं बना ही देता हूँ, खुद से लिख देता हूँ। सर तो हमने इस मैक्रो को यहाँ पे, हमने जैसे लास्ट क्लास में बताया था कि यहाँ हम जब इस पे सबमिट पे क्लिक करें तो पूरा डेटा उठ के जाना चाहिए। इसमें डेट, सीरियल नंबर और डेट टाइम दोनों जाना चाहिए। तो हमने यहाँ पे आईडी, सबसे पहले वेरिएबल लेते हैं कि डिम आईडी एज ए लॉन्ग, और यहाँ पे आईडी इक्वल टू एप्लीकेशन डॉट वर्कशीट फंक्शन डॉट मैक्स। मैक्स में मैंने यहाँ पे दे दिया शीट्स, और शीट में हमने दे दिया डेटा, डेटा है ना, डेटा डेटा। और हम यहाँ पे करेंगे रेंज, और रेंज में हम देंगे ए से लेके ए तक, और फिर हम देंगे रेंज, यहाँ पे रेंज ए 65,000 एक्सेलेश अप डॉट ऑफसेट 1,0 डॉट वैल्यू इक्वल टू आईडी प्लस 1। ठीक है, इसको कॉपी कर पेस्ट करता हूँ, इसमें आ जाएगा डेट हमारा डेट। इसको कॉपी करता हूँ पेस्ट करता हूँ, इसमें आ जाएगा हमारा फॉर्मेट टाइम के लिए फॉर्मेट, और यहाँ पे नाउ कॉमा एच एच स्लैश एम एम स्लैश एस एस, ये हमें टाइम का फॉर्मेट हो गया। फिर यहाँ पे हमने पेस्ट किया, और यहाँ पे हमारा हो जाएगा रेंज, और रेंज में क्या हमारा बी वन बी फोर एंड बी सेवन, वन डॉट वैल्यू, और इसको कॉपी किया पेस्ट 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 यहाँ पे। और यहाँ पे वन, इसके बाद में हम यहाँ पे वन जीरो करते कि यहाँ पे वन करेंगे, जीरो यहाँ जाएगा, यहाँ पे टू हो जाएगा। ये चीज़ हमने लास्ट मैंने कि जब हुई थी तो मैंने समझाया था, आई थिंक आपको ये चीज़ याद होगी। अधीर जी याद है आपको? यस सर। आपको अनिल जी? जी सर याद है। यहाँ पे एम एस जी बॉक्स लगाया हमने, और एम एस जी बॉक्स में हमने यहाँ पे दे दिया कि प्लीज डेटा सेव, डेटा सेव। क्या लग रहा है, कोड सही है? मैंने कोड जो लिखा है क्या सही है? नहीं सर। क्या गलती इसमें? सर शीट और डिफाइन नहीं की। क्या डिफाइन किया जी? क्या डिफाइन नहीं किया मैंने? जी हाँ, यहाँ सीट का नेम डिफाइन नहीं किया है, क्योंकि दूसरे शीट डेटा शीट पे जा रहा है ना। मैं जानबूझ के गलती किया था ताकि आप लोगों को देखो कि याद है या भूल गया। तो दो लोगों ने रिस्पॉन्स किया, दो लोगों ने रिस्पॉन्स नहीं किया, तो क्या समझू मैं, सबको याद है या सिर्फ दो को याद है? नहीं सर याद है, याद है। ऐसे ही आई मजाक के मूड में हूं सर, इसलिए। चलिए हो गया।
तो अब क्या होगा, क्या सेव पे क्लिक करूंगा, एक तरीके फॉर्म एक्सेस सेंड, एक मिनट में सेव करने दीजिए, क्लोज करने दीजिए, वापस इसको ओपन करने दीजिए, कुछ प्रॉब्लम है इसमें, री ओपन करूँगा तब जाके होगा। एंड ऑन ऑफ दिस माइक्रो एक्सेलेंस सेंड, ओ हाँ इस तरीके गलत गलत है, इस पर हमें राइट क्लिक करके असाइन माइक्रो करना होगा, यहाँ गलत था, असाइन माइक्रो गलत था। चलिए अब yes. डेटा सेव, तो डेटा हमारा सेव आ गया। अब इसमें एक चीज करनी है कि जैसे हम नाम लेके सेंड पे क्लिक कर देते करते हैं ना, तो मैं चाहता हूं कि उससे पहले मुझसे कंफर्मेशन मांगे कि डू वांट टू सेव, जैसे कि मान लीजिए कि हम कोई फाइल क्लोज करते हैं तो बोलता है डू वांट टू सेव चेंज, दिख रहा है आपको सर? यस। इसी तरह का पॉपअप होना चाहिए कि कभी गलती से सेव पे क्लिक ना हो जाए, क्योंकि गलती से सेव पे क्लिक हो गया तो जो डेटा अधूरा डेटा अधूरा डेटा ही चला जाएगा क्या। सो आई वांट टू कंफर्मेशन, इसके लिए क्या करेंगे हम, यहाँ पे सबसे स्टार्टिंग में, यहाँ स्टार्टिंग में यहाँ पे देंगे m इक्वल टू एम एस जी बॉक्स, और इसमें देंगे कि डू यू वांट टू, ये मैसेज दे देता हूँ वांट टू सेव और क्वेश्चन मार्क, और यहाँ पे बटन्स देखिए इस तरह से लिखेंगे तो आप बटन्स वगैरह दे सकते हैं इसमें, यस एंड नो, और टाइटल में दे दीजिए प्लीज कन्फर्म, जो लिखना चाहते हैं आप लिख सकते हैं। यहाँ पे इफ कंडीशन की इफ एम इज एम इक्वल टू वीवी या वीवी यस वीवी नो करेंगे, वीवी नो देन एग्जिट, ठीक है सर? ओके। तो क्या करेगा कि अगर हम नो पे क्लिक करेंगे तो यहीं पे माइक्रो को फिनिश कर देगा, नीचे बढ़ने ही नहीं देगा। एक तरीका तो यह है, दूसरा तरीका इसमें क्या होगा कि दूसरे तरीका में यह होगा कि आप देंगे कि इफ एम इक्वल टू वी वी यस दैट, और फिर नीचे आप यहां इसको एंड इफ करो। तो अब दोनों सिचुएशन है, अब मुझे अतीश जी आप मुझे एक्सप्लेन कीजिए कि मैं इसका यूज कब करूं और इसका यूज कब करूं। अतीश जी हाँ यस सर, पहले वाला जो है वो तो आपको स्टार्टिंग में ही मैसेज दे रहा है, ठीक है। दूसरा वाला डेटा एंटर होने के बाद का कंडीशन है। समझ आया अनिल जी आपको? आदित्य जी ने क्या बोला? सर जी मुझे समझ में नहीं आया, मुझे तो लग रहा है कि जो सेकंड कंडीशन है दैट इज मोर अप्रोप्रिएट। देखिए दोनों कंडीशन अपने जगह पे सही है। अब यहाँ पे समझिए, हम पहली कंडीशन तब यूज करेंगे जब हमें अपने माइक्रो को रोक देना है, हम नहीं चाहते कि जब तक यूजर कन्फर्म ना करे तब तक कोई इवेंट चले, राइट? ओके। इस कंडीशन में क्या है, इस कंडीशन ये कह रहे हैं कि अगर बीवी यस हो तो हमारा एक कोड वर्क करे, लेकिन एंड इफ सर बट कोई कोड है वो तो वर्क करेगा नहीं। एक क्वेश्चन, मतलब कि जैसे हमने कंडीशन देखी, अगर अगर वीवी यस है तो ही करेगा, तो अगर वीवी नो होगा तो वो अपने आप नहीं रुक जाएगा। वीवी अगर नो होगा तो ये आपका ये सारे काम जो है ये काम नहीं करेगा, लेकिन एंड इफ के बाद उसकी सिचुएशन होगी वो तो करेगा। तो हम इसका यूज तब करेंगे जब मान लीजिए कि मेरे इस माइक्रो में 10 काम है और मुझे पर्टिकुलर एक या दो काम को कंफर्मेशन लेने के बाद या कंडीशन ट्रू पे करना है, बाकी तीन जैसा चल रहा है वैसा चलने देना है, तो उस केस में हम इस मेथड का इस्तेमाल करेंगे। ओके ओके। मैं मैसेज बॉक्स देना चाहता हूं कि एम एस जी बॉक्स
यहां पे देता हूं कि टास्क कंप्लीट का मैसेज जो है इसको कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप वीवी यस पे क्लिक कर रहे हो या वीवी नो पे क्लिक कर रहे हो। यस क्योंकि वो इफ के बाद है तो आपको तो दिखाएगा ठीक है ना। लेकिन अगर हम इसको हटा देते हैं, इस पोर्शन को हटा देते हैं, तो अब अगर मैं इस पोर्शन को हटा देता हूं तो क्या होगा? अब इससे ये हुआ कि यहां यहां पे माइक्रो यहां पे हमने क्या किया, एक दीवार खड़ी कर दी एग्जिट। हमने क्या बोला कि भाई जैसी कंडीशन एम में नो है तो आप फंक्शन को क्लोज करो, मुझे नीचे से नीचे क्या लिखा है उससे मतलब नहीं, क्या करना है मतलब नहीं, हमें यहां पे खत्म कर देनी है माइक्रो को। समझे? इस लाइन से आगे मान ले समझिए ना कि ये आपका चेक पॉइंट हो गया कि आपके पास अगर वैलिड आईडी कार्ड है तभी आप ऑफिस में एंटर कर सकते हो, अदरवाइज आप बाहर जाइए चाहे आप कोई भी क्यों ना हो। इससे बड़ा में क्या है कि अगर आपके पास ऑफिस की एम्प्लॉई कार्ड है तो आप हमारे वर्किंग एरिया में जा सकते हैं, अगर विजिटर कार्ड है तो आप हमारे रिसेप्शन में या विजिटर एरिया में जा सकते हैं। वो था इससे पहले वाला, ये मतलब है नहीं आपके पास वैलिड कार्ड है तो एंट्री करेंगे वरना बाहर जाइए। ओके आपको समझ में आया? आपको अनिल जी? यस सर, यस सर समझ में आया। यस एग्जिट सब का यूज हम तभी करते हैं जब हमें यही मैक्रो को या फंक्शन को फिनिश कर देना। आगे जाके जो फंक्शन बनाएंगे आप, जैसे मान लीजिए ना कि आप जो है एक फोल्डर में एक फाइल को ढूंढ रहे हैं, ठीक है, तो आप 100 फाइल करके फाइल को चेक करेंगे, तो मान लीजिए कि आपका नाम अगर दूसरे नंबर पे मिल गया तो खामा का 98 नंबर को क्यों, 98 फाइल को क्यों चेक करोगे? तो ये दे सकते हो कि ये फाइल नेम इज इक्वल दैट देन एग्जिट फंक्शन एग्जिट सर्व, ये मेरे काम हो चुका है, बात खत्म। तो एग्जिट सर्व हम उन सब जगह पे यूज करेंगे, एग्जिट सर्व एग्जिट फंक्शन दो चीज होती है, फंक्शन भी होता है एग्जिट सर्व और एग्जिट फंक्शन फंक्शन फॉर्मूले के लिए। समझ में आ गया? तो अब मैं इस पे जैसे करूंगा मुझसे कंफर्मेशन मांगेगा, अगर मैंने यस पे क्लिक किया तो डेटा को सेव करेगा, समझे, अगर हमने नो पे क्लिक किया तो डेटा को सेव नहीं करेगा। क्लियर है? यस सर। अब ये फाइल मैं आप लोगों को भेज रहा हूं, अब आप इसमें क्या करना है कि मैं चाहता हूं कि अगर इसमें तीनों के तीनों डेटा फिल होने चाहिए, मतलब कि ऐसा नहीं कि मैंने पूजा लिखा और यस कर दिया तो वो सेव कर दे। अब देखिए मैं डेटा में yes. पूजे को सेव कर दिया ना? करेक्ट, यस। ऐसा नहीं होना चाहिए था, समझे? तो इसमें क्या है, पहली कंडीशन हो कि यहां पे कंडीशन नंबर वन कि यहां पे स्टार लगा देता हूं मैं कि every field required, समझे? yeah every field required। अब दूसरा कंडीशन ये होगी, पहली कंडीशन ये करनी है, दूसरी कंडीशन आपको ये करना है कि जो अमाउंट है वो अमाउंट जो है हमारा 500 टू 5000 के बीच में होना चाहिए, अदरवाइज एंट्री ना। क्लियर है? ओके। और तीसरा नेम डुप्लीकेट, तीन कंडीशन जब मैं सेव पे क्लिक करो तो मुझसे ये तीन चीज मांगे। और ये जो सेव वाला मैसेज वाला फंक्शन है लास्ट में आना चाहिए, सारे कंडीशन अगर फुलफिल है तो ये मैसेज बॉक्स होना चाहिए सर, याद रखिएगा। अब मैसेज बॉक्स दिख गया से मतलब कि हमने डाटा एंट्री सही किया हुआ है, सही किया हुआ है,
हो जाएगा आप लोगों से। ट्राई कर रहे हैं। हाँ सर ट्राई कीजिए प्लीज, और कोशिश जरूर कीजिएगा, भले ही आपसे हो हेलो मतलब नहीं है, श्योर सर कीजिएगा सर। श्योर सर। सुजीत सर हेलो, सुन रहा हूँ। हाँ सर एक्चुअली जो आप ये जो वेरिएबल डिफाइन करते हैं ना, आप इसको एक्सप्लेन करेंगे कब हमें ये लॉन्ग वाला यूज करना चाहिए, कब हमें फॉर यूज करना चाहिए? बताया तो था मैंने, बता तो रखा था इसमें, इसमें आपने नहीं बताया था आपको मैंने, नहीं आपने एक्चुअली मैं इसमें थोड़ा कंफ्यूजन, वेरिएबल कब हमें यूज करना चाहिए, सारे टॉपिक कवर किया था कि नहीं किया था आपको? Actually, आपने क्लास में दो दो तीन क्लास अटेंड की, उसमें से कहीं तो ये आपने जिक्र नहीं किया कि ये। ठीक है मैं वेरिएबल्स की वीडियो आपको सेंड कर देता हूँ, ठीक है ना, आप उसको देख, एक उसके बाद भी आपको दिक्कत होता है तो हम आपको दोबारा उसको रिपीट कर देंगे। हाँ कुछ और कोई पूछ रहा था सर? सुजीत सर हेलो, बोलिए सुन रहा हूँ सर। एक मेरे पास फाइल है उसके अंदर